उज्जैन के कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई, जहां पर उज्जैन चुनाव प्रभारी कांग्रेस के नेता बाला बच्चन पहुंचे और तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान कई कार्यकर्ता पदाधिकारी कांग्रेस कार्यालय पर मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के शहर अध्यक्ष ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को जमकर उजागर किया जाएगा। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, अच्छे दिनों का वादा किया था और बुरे दिनों से गुजरना पड़ रहा है, आतंकवाद बढ़ा है और आतंकवादियों के द्वारा जम्मू कश्मीर में कई आम नागरिकों की हत्या हुई है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मैं आगामी रूपरेखा के बारे में, होने वाले नगर निगम के चुनाव के बारे में मैं कुछ जानकारियां आपको देना चाहता हूं कि हम आने वाले समय में नगर निगम के चुनाव कितनी सूत्रों पर लड़ेंगे। कोई बताना चाहता हूं कि महाकाल मंदिर वन प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और होना भी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से उस प्रोजेक्ट को जनता के बीच नहीं लाया जा रहा है, उसमें हमें अनियमितताएं हो रही हैं, कम से कम उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। महाकाल वन प्रोजेक्ट के नाम से करोड़ों रुपए केंद्र शासन ने यहाँ पर भेजे गए हैं, उसका सदुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, इसकी जानकारी आपके माध्यम से मैंने एक समाचार देखा जिसमें जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला हुआ है। ये सब झूठ है, नई सरकार है, झूठ झूठ बोलते हैं, झूठ बोलो झट से बोल रहे हैं। आतंकवादियों को खुला चैलेंज है, टारगेट बनाया जा रहा है। अभी एक हफ्ते के अंदर कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है, मतलब तेजी से पनप रहा है जम्मू कश्मीर में। आप देखिए ना, आप सब लोगों को इसका माध्यम से बताइए जाना चाहिए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कितना बना रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।